सर एक सर आज से जो शहर में मुहिम शुरू की है उस ताल्लुक से महाराष्ट्र शासन की तरफ से ब्रेक द चेन गाइडलाइन इशू की गई है। इसका प्रभाव भी शहर में अभी दिख रहा है। कोविड केसेस में थोड़ी सी कमी आई है। ये ब्रेक द चेन लॉकडाउन जो है 31 मई तक है। इसलिए सभी नागरिकों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि 31 मई तक अपने ऊपर स्वयं शिस्त बनाए रखें, आत्म अनुशासन बनाए रखें। अभी तक जो हमने लॉकडाउन की वजह से जो कोविड के केसेस में कमी आई है, अगर अब अगले 10 दिनों में हमारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ तो उस लाभ को हम खो देंगे एंड कोविड केसेस अगेन बढ़ने लगेंगे। इसलिए सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट की जाती है कि लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य कोरोना की चेन को तोड़ना है। ये चेन तभी टूटेगी जब आप 31 मई तक आप अपने घरों में रहेंगे। अदरवाइज अगर आपका मूवमेंट बढ़ता है, अगेन सिटी में कोरोना केसेस बढ़ने लगेंगे एंड देन अगेन बेड की मारामारी, ऑक्सीजन की मारामारी, सारी चीज़ों के लिए आप परेशान होंगे। इसलिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कीजिए। इसके साथ ही जो लोग अनावश्यक रोड पर घूमते हुए पाए जाएंगे उनकी कोविड टेस्टिंग के लिए 16 टीमें पूरी सिटी में डिप्लॉय की गई हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी टीम डिप्लॉय करेंगे और जो भी ये अनावश्यक घूमते हुए पाए जा रहे हैं इनकी सबकी कोविड टेस्टिंग की जाएगी। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। अगेन नागरिकों से ये रिक्वेस्ट है कि 21 मई तक आप अपने घर में ही रहें, अनावश्यक रोड। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।